सी, क्योंकि हम लोग संविधान के डिफरेंट डिफरेंट क्या पढ़ रहे हैं, संविधान के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, इवन प्रस्तावना में जो शब्द यूज किए गए हैं उन शब्दों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम लोग इन चीजों को जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कुछ चीजों को अभी और डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। ठीक है, तो किस किस चीज की लिबर्टी दी गई है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों की लिबर्टी दी गई है, जैसे कि जो कि हमारे प्रस्तावना या हमारे प्रीएम्बल में व्यक्त है। ठीक है, जैसे कि आपके व्यक्ति जो है, जो पर्सन है, उसको बोलने की, उसके गतिविधियों में किसी प्रकार का प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया जाता, प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता कुछ चीजों को छोड़ के। फिर प्रस्तावना या उद्देश्य क्या, या प्रियम्बल कुछ भी बोलो, इसमें इंसान के जो थॉट्स होते हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, उसकी जो बिलीव्स होते हैं, उसका जो धर्म होता है, उसका जो उपासना होता है, उन सभी चीजों को व्यक्त करने की उसको स्वतंत्रता दी जाती है या लिबर्टी दी जाती है। तो व्यक्ति के कौन कौन सी चीजों को दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग लेंगे अगर आप बोलोगे उसके आने जाने की, या उसके गतिविधियों पर या उसके एक्टिविटीज पर किसी भी प्रकार का प्रोहिबिशन या निषेध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसको अपने विचार व्यक्त करने का, यानी कि अपने थॉट्स को देने का, फिर एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन यानी कि अपने अभिव्यक्तियों के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने धर्म, अपने रिलीजन, उपासना। ठीक है, धर्म उपासना कैसे उस धर्म को माने, उसकी जो पद्धति है उसको, इन सभी चीजों को करने की लिबर्टी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, सो व्हाट आर दीज, दीज आर योर द टर्म ऑफ लिबर्टी मींस इन योर प्रीएम्बल। क्लियर है, तो हमारे पास कितनी चीजों की, अगर इक्वलिटी की बात करें, अगर कोई बोले कि इक्वलिटी है, तो जो कि हमारे संविधान द्वारा हमें दी गई है, तो हमें तीन प्रकार की इक्वलिटीज दी गई है या समानताएं दी गई है, समानताएं। ठीक है, कौन कौन सी समानताएं दी गई है, एक हमें सामाजिक दी गई है, यानी सोशल, सामाजिक यानी कि सोशल। ठीक है, एक हमें राजनीतिक दी गई है, यानी कि पॉलिटिकल, और एक हमें क्या दिया गया है, आर्थिक, आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल, क्या दिया गया है, इक्विटी, इक्वलिटी दिया है, इक्वलिटी या समानताएं दी गई है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन यस्टरडेज क्लास। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग जो आज शुरुआत करेंगे, फ्रैटर्निटी, दैट इज योर फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी यानी कि बंधुत्व। देखो ये वर्ड ही खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट डिड यू मीन बाय फ्रैटर्निटी, या व्हाट डिड यू मीन बाय बंधुत्व। देखो वी आर स्टेइंग, और हम ये कह सकते हैं कि भारत जो स्टेट है, भारत जो एक बड़ा सा राज्य है, वो कैसा राज्य है, वो एक मल्टी कल्चरल राज्य है, यानी कि बहु सांस्कृतिक राज्य है, जहाँ पर सभी लोगों को एक साथ जुट रखना, या सभी लोगों को एक मिल के एक शासन को फॉलो करवाना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ये एक बहुत जटिल कार्य है। तो इसके लिए भारत ने की जो संविधान है, उसका एक आर्टिकल है 15 क या 15A में, ये बताया जा रहा है कि हम सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करते हैं, और हम हर व्यक्ति को एक सिंगल सिटीजनशिप देते हैं, यानी कि एकल नागरिकता देते हैं। कैसी नागरिकता देते हैं, एकल नागरिकता देते हैं। जब हम एकल नागरिकता देते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप पूरे पूरे इंडिया के हो, ना कि एक पर्टिकुलर किसी स्टेट के, एक प्रांत के, या पर्टिकुलर एक चीज को फॉलो कर रहे हो, या एक कास्ट को फॉलो कर रहे हो, एक जाति को फॉलो कर रहे हो। ओके, सो इसके माध्यम से क्या होता है, वी आर प्रमोटिंग फ्रैटर्निटी, वी आर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने बंधुत्व को, कि हम लोग एक साथ मिलजुल के रहें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्यक्ति की गरिमा। सो केन मुंशी साहब थे, जो हम लोग के भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट, कि कितने सदस्य थे, कौन कितने फीमेल कैंडिडेट्स में वहां के मेंबर थे, उनके नाम वगैरह हम लोग सारी चीजें जान सकते।
तो उन्होंने ये बताया कि जो पर्सन की जो गौरव होती है, उनका जो नेम होता है, उनका जो फेम होता है, ये भारतीय संविधान को न केवल उसका वास्तविक रूप के भलाई, उसका लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी को सुरक्षित करता है, ठीक है, बल्कि हर व्यक्ति अपने में ही एक पवित्र होता है, एक प्योर होता है, राइट। तो जो हमारा प्रियम्बल है उसमें डिस्कस किया गया है, उसमें उल्लेखित किया गया है कि जो हम कार्य करेंगे निहितार्थ शब्द को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ पर है? मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल 21 में है, या अनुच्छेद 21 में है। तो ये पॉइंट किसने कहा था? संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, कौन सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य थे K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। सो व्हाट आई विल से कि जो ये व्यक्ति का, ये जो हमारा संविधान है, ठीक है, व्यक्ति से कैसे रिलेटेड है एक्चुअली, ये जो हमारा संविधान या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये केवल उसे एक उसके जो भलाई, जो सोशल भलाई है या फाइनेंशियल भलाई है या ये राजनीतिक भलाई है, इन सबका वेलफेयर नॉट ओनली एंड नॉट ओनली द लोकतांत्रिक, या आप बोलो कि नॉट ओनली डेमोक्रेटिक वे से उसके तंत्र करता है, बल्कि उसके उसका खुद का भी जो एक व्यक्तित्व है, उसका जो खुद की एक पर्सनालिटी, दैट इज आल्सो प्योर। सो वी आर वेरी ऑलवेज हैव टू मेंटेन दैट प्योरिटी। सो दैट्स व्हाई इस प्योरिटी को मेंटेनेंस के लिए ही क्या बनाया गया है, फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं कि वो अपनी गरिमा को बचा सके। फंडामेंटल राइट जो कि किसमें बताया गया है? आर्टिकल, आर्टिकल किसमें बताया गया है बताओ? आर्टिकल हमारे 21 में बताया गया है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब ये क्यों ऐसा है? बिकॉज जो हमारा संविधान है वो सब चीजों को एक साथ रखने, पूरे देश को एक अखंड राष्ट्र के रूप में बनाना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये वर्ड देखो कब जोड़ा गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, क्लियर। तो हाउ कैन वी मेंटेन दिस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हाउ कैन वी मेंटेन दिस? सी बात क्या है कि जो क्योंकि हमारे अभी, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि दैट वी आर मल्टी कल्चरल पीपल ऑफ द सेम कंट्री, मल्टी कल्चरल यानी कि बहुलवादी संस्कृति, क्योंकि हम बहुलवादी संस्कृति है, उन सबको एक साथ रखना और एक साथ उनको एक ही गवर्नेंस के अंदर चलाना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज अ वेरी हार्ड वर्क, राइट। तो क्या हुआ कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है हमारे संविधान, क्या मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज ही बाध्य करता है हर एक व्यक्ति को कि हमारा अपने राष्ट्र के प्रति उसकी अखंडता और उसकी एकता को बनाए रखेंगे, वी हैव सम ऑफ द ड्यूटीज, राइट। तो ये पहला जो मूल संविधान था उसमें ये जोड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन, ओके, संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो कब हुआ ये? 1976। ये बात चल रहा है, बताना मुझे कि इस 42वें संविधान संशोधन में और प्रस्तावना को लेके अभी करेंटली कौन सा बात चल रहा है, ठीक है। तो इस ये जो एकता वाला शब्द है, इस शब्द के स्थान पर पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ एकता था। अब क्या किया गया है चेंज करके? एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, क्लियर है, एकता और अखंडता को इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
एक वाद है जो कि क्या है कि प्रस्तावना जो है, जो प्रियम्बल है, वो हमारे संविधान का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं। तो ये एक वाद का टॉपिक है या डिस्कशन टॉपिक है। लिखना, टॉपिक लिखना कि प्रस्तावना संविधान का भाग, संविधान का भाग या अंग है या नहीं, है या नहीं। ठीक, तो वेदर वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये इसका भाग है या इसका भाग नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का भाग, डिस्कशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सो हाउ कैन वी डिस्कस दिस वन, हाउ कैन वी डिस्कस दिस वन, सो व्हाट वी शुड राइट। यहाँ पर लगातार बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो केसेस बताया जा रहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है कि नहीं, क्योंकि इसके जो केसेस के जो जजमेंट थे वो एक्चुअली इस जजमेंट की बात की जा रही है। सो व्हाट कैन आई से, आई विल से दैट फर्स्ट देखो, एक बेरुबारी केस था, बेरुबारी संघ यानी कि यूनियन वर्सेस बनाम, या सीधा लिख दो मामला, ठीक है, 1960 का। अब ये केस क्या था, ये कह रहा था कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। क्लियर है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसने ये बताया कि जो विधायिका की जो शक्तियों का जो स्रोत है, यानी कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की पावर्स का जो सोर्सेज है ना, तो ये इसका सोर्स है, ओके, ना ही ये इसका सोर्स है और ना ही इसके सोर्सेज पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, ना ही इस लेजिस्लेचर की जो जितनी पावर्स है उसको प्रतिबंध लगा सकती है, उसको रोक सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, उसको रोक सकती है। सो सिंस दीज आर नॉट पॉसिबल थ्रू द प्रियम्बल ओनली, और ये एक गैर न्यायिक है, यानी कि एक नॉन नॉन जुडिशियरी एक्ट है, जुडिशियरी पार्ट है, ठीक है, नॉन जुडिशियरी पार्ट है, तो इसे इसे कहाँ पर चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, नहीं नहीं दी जा सकती, जा सकती कहाँ नहीं दी जा सकती, न्यायालय में, कोर्ट में। ठीक है, सो सिंस ये सारी चीजें हो नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है, ये आपके प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। कौन से केस में कहा गया, बेरुबारी के केस में कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एक सेकेंड केस आया जो कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, सज्जन सिंह, ठीक है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, राजस्थान स्टेट, ठीक है, ये एक केस आया जो कि 1964 का केस, ठीक। इस 1964 के केस में जो न्यायमूर्ति थे, जो जज थे, न्यायमूर्ति या जज बोल दो, जज थे, जिसका नाम क्या था, माधोलकर, ठीक है, इन जो जज ने क्या किया, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल या प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, प्रियम्बल जो है संविधान का अंग नहीं है, और इसलिए उच्चतम न्यायालय के जो पूर्व विचार है वो भी यही को कहते हैं, प्रीवियस प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आल्सो सिग्निफाइज। क्लियर है। तीसरे नंबर पर क्या था, तीसरे नंबर पर एक था गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट का, गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट, ठीक है, ये कौन सा केस था, ये केस 1967 का था, ठीक है।
अब इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, इस केस में कहा गया जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, वो संविधान की आत्मा है, आत्मा है, शाश्वत रहेगा और ये अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय ठीक है, यानी कि इट कांट बी चेंज्ड, इट इज अ सोल, इट इज ऑलवेज अलाइव, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट था प्रस्तावना जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। लेकिन एक लास्ट वाला जो केस काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है इन तीनों में से, पर ये पूछा है प्रीवियसली ऑलरेडी आस्क्ड है, दिखाते हैं कौन सा केस है, केशवानंद भारती और केरल राज्य, केश चौथा नंबर है ये, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, केरल स्टेट ठीक है, कौन से ईयर का है, 1973 ठीक है, ये 1973 का केस है और ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। इसने क्या बताया कि और इसमें बहुत मैक्सिमम जो जजेस थे, मैक्सिमम जो जजेस या न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो ये प्रस्तावना है, काफी सारा डिस्कशन हुआ था, बहुत सारी चीजों को बताया गया था, तो इसका जो रिजल्ट था उन्होंने ये बताया कि जो प्रस्तावना या प्रियम्बल है, प्रस्तावना या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, का अंग है, याद अंग या पार्ट ठीक है, इट इज द पार्ट क्यों। और ये बोला भी गया कि एक अनुच्छेद है आपका, एक आर्टिकल है जो कि 368 है, उसको आप पढ़ना, और उसमें बोला गया कि ये संशोधनीय है, संशोधनीय है, यानी कि इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, क्लियर है, किए जा सकते हैं, बट उसका जो मूल ढांचा, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कांट बी चेंज्ड, इट कांट बी चेंज्ड, ये थोड़ा ध्यान रखना, जो मूल संविधान का ढांचा, जो मूल ढांचा है संविधान का, वो संशोधनीय नहीं है, मूल ढांचा, मूल ढांचा ठीक है, संविधान का जो मूल ढांचा है उसे हम संशोधन नहीं कर सकते, बाकी ये एक्सेप्ट किया गया एट लास्ट कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग। आगे बढ़ सी, और भी बहुत सारे केसेस है, जैसे कि एक केस आप और पढ़ोगे, न्यायमूर्ति के एक केस था जो कि एस आर बोम्मई, बोम्मई वाद जिसे कहते हैं, ये आपके 1993 का केस ठीक है। अब इस केस में क्या बताया गया, इस केस में जो सबसे पहले हमारे जज थे, न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति रामास्वामी, रामा ठीक है, इनका जो निर्णय था, इनके निर्णय को क्या कहा गया, खारिज किया गया, गलत बताया गया, और बोला कि इसमें भी ये डिसाइड कर लिया गया है कि जो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान का अभिन्न अंग, अभिन्न ठीक है, ओके। तो और एक केस बता दूं आपको, एक और केस है, एक केस आपका है रघुनाथ राव मामला, रघुनाथ राव मैट ठीक है, इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या बताया गया कि मतलब इसमें एक बताया गया कि प्रस्तावना जो है शक्ति का स्रोत नहीं है, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, फिर इसके द्वारा विधानमंडल में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, फिर ये दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने के लिए उपयोगी है, ये संदिग्ध तथा दो अर्थों वाले उपबंधों को प्रोविजंस को समझने के लिए बनाया गया है, क्लियर है। तो दीज ऑल आर रिलेटेड, अगर कभी कभी पूछे तो बोल देना रघुनाथ राव मामला, यही है, क्लियर है।
कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि ये मामला, बट ऑल ओवर दैट कि जो लास्ट में जो बताया जा रहा है कि ये संविधान वाला जो ये आपके क्या क्या संशोधन किए गए, ठीक है, और क्या क्या बताया जा रहा है, यानी कि एक्सक्यूज मी, फाइनली जो प्रॉपर्टीज के रूप में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, फाइनल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो उसमें क्या देखते हैं कि जो आपका मौलिक संरचना में क्या समर्थन है, मूल ढांचा बोलो, मूल ढांचा या मौलिक संरचना, मौलिक संरचना, या आप ये बोलो फंडामेंटल स्ट्रक्चर, इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और जो प्रस्तावना बोला गया ना कि मूल ढांचा नहीं बर्बाद तो सदा, तो ये क्या कौन कौन से पार्ट है, तो बोलना कि सरकार का, गवर्नमेंट का जो प्रजातांत्रिक स्वरूप है, प्रजातांत्रिक स्वरूप, ठीक है, उसके बाद संघीय संरचना, संघीय संरचना, ठीक है, फिर राष्ट्रीय एकता और अखंडता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ठीक है, फिर आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, फिर आपका जो सामाजिक और न्यायिक अवलोकन, सामाजिक और न्यायिक पुनरावलोकन, तो ऑल दीज थिंग्स आर आपके जो क्या है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स में आते हैं या मौलिक ढांचा में आते हैं, क्लियर है? तो आई होप कि हम लोगों ने इस पूरे संविधान को एक एक चीजों को देख लिया है, क्लियर है? एक पॉइंट मैं और बताऊंगी, देखो ये जो आपका के मुंशी साहब थे, उनका एक कभी कभी ना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसने क्या कहा, मतलब वर्डिंग्स के हिसाब से, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था ना, कभी कभी मैंने अभी बता भी दिया है गोलकनाथ वाला मामला, गोलकनाथ वाले मामले में ही एक चीज आपको और बताऊं, उस गोलकनाथ नाथ जो केस था उसमें न्यायमूर्ति कौन थे, न्याय मूर्ति कौन थे, न्यायमूर्ति आपके हिदायतुल्ला थे, हिदायतुल्ला, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल है या उद्देश्य क्या बोलो, उद्देश्य का बोलो या प्रस्तावना बोलो, ये क्या है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, साउ या, ठीक है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, क्लियर है ना, ये एक केस हो गया। और के एम मुंशी ने क्या किया, के एम मुंशी ने क्या कहा, मुंशी, मुंशी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ये प्रियम्बल है ये क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री, यानी कि पॉलिटिकल बर्थ सर्टिफिकेट, पॉलिटिकल बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, पॉलिटिकल बर्थ सर्टिफिकेट है, किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, क्लियर है? और मौलिक अधिकार वाला बता दें आपको, अच्छा चलो बता दें, सी मौलिक अधिकार वाला जो केस है, मौलिक न सॉरी, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, ये कौन से में दिया गया है, ये आर्टिकल आपके 51 का में दिया गया, ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि हर भारतीय नागरिक, एवरी इंडियन सिटीजन का एक कर्तव्य होगा कि वो क्या होगा कि वो आपके धार्मिक, रिलीजियस, धार्मिक, भाषाई और
क्षेत्रीय प्लस वर्ग, इन पर कोई भी प्रकार का जो विभेदताएं हैं उनसे ऊपर उठकर हम लोग आपस में भाईचारी का कर्तव्य निभाएंगे, आपस में कॉपरेशन करेंगे, आपस में बदल उठकर करेंगे, ठीक है। इन सबसे ऊपर उठकर मतलब रिलीजियस बोलो, रिलीजियस लैंग्वेज या रीजनल, रीजनल या क्लास, इन सब की डाइवर्सिटी होते हुए भी, डाइवर्सिटी होते हुए भी, ठीक है, विभिन्नताएं होते हुए भी हम लोग आपस में ब्रदरहुड का मामला एक दूसरे के साथ बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एक एक करके क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा कि हम लोग को और क्या देखना है। एक नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ योर, फ्रॉम टुडे ओनली वी विल स्टार्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक एक करके देखेंगे और कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट भाग बताए गए हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी कि यूनियन एंड इट्स स्टेट रीजन। देखो, भारत का जब एकीकरण हो रहा था तो अलग अलग, आपको पता है, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग चीजें, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसमें, हम आपको बता भी देंगे। प्लस अभी अगर रीसेंट में देखें तो हमारे पास किस रूप में है, यूनियन टेरिटरीज के रूप में है, जहां पर डायरेक्टली होता है शासन सेंटर का, केंद्र प्रशासित राज्य, केंद्र प्रशासित राज्य, ठीक है। और एक आपके राज्य है जो कि आपके सिंपल स्टेट्स है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने स्टेट्स है और कितने यूनियन टेरिटरीज है, यूटीआई। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग वन है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग एक पार्ट वन जो है, उसमें हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं, एक से लेके चार तक, ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, एक से लेके चार तक, जिसमें किसके बारे में बताया गया है, भारतीय संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में, भारतीय संघ और इसके क्षेत्र। भारतीय संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, और इसी में आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगी कि भारत के राज्य क्षेत्र और भारतीय संघ में क्या डिफरेंस भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जिसमें अनुच्छेद जो आपका फर्स्ट है, उसका अनुच्छेद फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, यानी कि आप बोलना फर्स्ट का फर्स्ट, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट, उसका भाग पहला जो है वो क्या कह रहा है, वो भारत, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है या यूनियन। क्लियर है ये बात? पूरा कुछ नहीं है, इसी इसी टॉपिक पे अभी विवाद चल रहा है कि भारत बताया जाएगा सिर्फ और सिर्फ, इंडिया नहीं बताया जाएगा। वॉट एवर मे बी, आप देखना पढ़ना न्यूज तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ये बोला गया कि जो संविधान है उसमें कैसी जन संरचना है, संघात्मक संरचना है, परंतु जो प्रारूप समिति ने जो संघ की जो वर्ड का जो प्रयोग किया है उसमें उसने दो चीजों को डायरेक्टली क्लियर किया, ठीक है। मतलब हम ये कहना, पहले तो ये बता रहा है, क्लियर है इतना। अब मैं क्या कहूंगी, ये कहूंगी कि जो संविधान, संविधान की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो आपकी संघात्मक है, संघात्मक, ठीक है। जब वो संघात्मक है तो जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, दो तरीकों से उसने एक्सप्लेन किया है। पहला
पहला उसने ये बोला कि विभिन्न राज्यों के मत में बीच में कोई दो राज्यों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी अनुबंध साइन नहीं है, भारत जो बना है, ठीक है, यानी कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध, बोलो अनुबंध का परिणाम नहीं, का परिणाम नहीं, ठीक है, पहली चीज ये। और ये भी बोला गया कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, यानी कि किसी भी स्टेट को यूनियन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, वो ऐसे अलग नहीं हो सकते, ठीक है, तो मेरा मन नहीं किया, मुझे सरकार पसंद नहीं है केंद्र की, तो मैं अलग हो जा रहा हूँ, अपना अलग ही एस्टैब्लिशमेंट करूंगा, इसका अधिकार नहीं है, ठीक है। तो दूसरा उसने क्या बोला कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। इतना क्लियर हो गया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहूंगी मैं कि जो एक आपका आर्टिकल 1 का ही दूसरा पार्ट, ये क्या कहेगा, ये दो के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहा है, रिलेशनशिप यानी कि संबंध स्थापित कर रहा है, कैसे, एक आपका है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये सब किस में दिया गया है, अनुसूची फर्स्ट में, अनुसूची फर्स्ट यानी कि शेड्यूल, ठीक है, मुझे बताओ कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितनी आर्टिकल्स हैं, ये मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया था क्लास में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 1 का 3, अब आर्टिकल फर्स्ट का 3 ये क्या बोलेगा, अब भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसमें क्या क्या शामिल होगा, भारत का राज्य क्षेत्र में शामिल, ठीक है, क्या क्या होगा बताओ, 3 चीजें शामिल होंगी, पहली चीज होगी राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन स्टेट रीजन, स्टेट्स ऑफ स्टेट रीजन, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिनको अर्जित किया गया है, ठीक है, तो तीसरे नंबर पर क्या आएगा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, अर्जित अक्वायर किए गए हैं, क्लियर है, ये पहले ही बता दिया गया था। तो राइट नाउ यू सी मी हाउ मेनी यूटीज एंड स्टेट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आर्टिकल 2 क्या कहेगा, आर्टिकल 3, ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद ये कह रहा है कि जो संसद में जो विधियां बनाई जाएगी, जो कानून, जो लॉज बनाया जाएगा, वो संघ में आपके नए राज्यों का प्रवेश बोलो या उसकी स्थापना करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ जो संसद डेवलप करेगी, संसद जो पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी उसके द्वारा ही होगा। तो आप बोलना कि जो ये 2 है, 2 में हमने क्या किया कि संसद की विधि, संसद विधि, ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉज, पार्लियामेंट्री लॉज, पार्लियामेंट्री लॉज द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सके, क्लियर, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 2 नोट, नोट क्या क्या लिखना है, पहला
ये सिक्किम वाला पहले याद रखना, सिक्किम को जब अगर कभी पूछा जाए, सिक्किम को अगर कभी पूछा जाए 2 ईयर्स में, एक आपका ईयर हो जाएगा 1974, एक ईयर हो जाएगा 1975, ठीक है। तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि जो सिक्किम है, सिक्किम है वो भारत का क्या है, सहायक राज्य, सहायक राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट, एसोसिएट स्टेट, क्लियर। लेकिन जब 36वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये क्या कहा गया, जो कि 1975 में हुआ और ये 1974 में हुआ, इसमें बता दिया गया भाई ये हमारे संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा है, ठीक है, संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य यानी कि कंप्लीट स्टेट, कंप्लीट स्टेट का स्टेटस रखता है, का स्टेटस, ठीक है, किसको, सिक्किम, क्लियर है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना, क्लियर। बाकी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देशी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, कौन कौन से, देखो इधर आपको बता रही हूँ, जब हमारे पास ये जो सारी चीजें थी तो ब्रिटिश भारत में हमारे पास 9 प्रांत थे, 9 प्रेसिडेंसीज थी, या आप प्रेसिडेंसीज नहीं सर, प्रांत स्टेट्स ही बोल दो, और 600 प्रिंसली स्टेट्स थे, कितने, 600 देशी रियासतें थी, जिनमें से 542 को छोड़कर शेष पाकिस्तान में शामिल हो गए। अब 542 जो में से 3 रियासत कौन कौन से थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया था, ठीक है, ये उस समय की बात है। लेकिन बाद में फिर आपके बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारी बातें, विलय पत्र, ये वो बहुत सारा चीज जोड़ झमेला किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, फिर जाके इतना कठिन कार्य जो एकीकरण का कार्य है वो कंप्लीट हुआ, काफी ज्यादा डिप्लोमेट होना पड़ा था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद थी तो आर्टिकल आपके 3, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, आर्टिकल 3 में ये बताया गया वही आपका जो संसद की विधि द्वारा कानून, संसद की विधि, ठीक है, संसद विधि द्वारा या पार्लियामेंट्री लॉज के द्वारा ही किसी भी राज्य क्षेत्र को आप उसमें ऐड कर सकते हो, उसके सीमा, राज्य सीमा के क्षेत्र से किसी चीज को काट के दूसरा राज्य बना सकते हो, ऑल थिंग्स, इवन इसमें अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि कोई राज्य में अगर कोई भी बदलाव हो रहा है, उसके सीमा क्षेत्र में कोई बदलाव हो रहा है तो ये उसको राय दे सकता है, राय दे सकता है या एडवाइस भी दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, कौन दे सकता है, जिस पर जिस राज्य में हो रहा है, जिस राज्य में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन या चेंजेस हो रहे हैं, क्लियर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की सिफारिश, सिफारिश, ठीक है, इस राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी सदन में इसके लिए, इससे रिलेटेड कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड कि अगर हम किसी भी राज्य को बना रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, उसकी सीमा को चेंज कर रहे हैं, व्हाट एवर मे बी वी आर डूइंग, राष्ट्रपति की सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इसके बिना हम नहीं कर सकते कोई भी विधेयक या बिल, विधेयक या बिल, ठीक है, विधेयक या बिल हम किसी भी हाउस में, किसी भी आप में पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सदन में विधेयक पेश नहीं कर सकते हैं, उनको किसी भी सदन में पेश नहीं कर सकते, पेश नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 3 इसी से पूरा का पूरा रिलेटेड है, इन सारी चीजें को इसमें बताया गया है।
क्लियर है? सो फ्रॉम नेक्स्ट वी विल डू मोर टू आर्टिकल्स ऑफ योर पार्ट वन या भाग एक के जो और दो चार पार्टिकल आर्टिकल्स रह गए हैं वो देखेंगे, और कुछ हम लोग केसेस देखेंगे कि कैसे इस स्टेट्स को रिलेटेड करके बनाया गया. होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.